दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अमेजन पे वॉलेट का आप केवाईसी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। विदाउट केवाईसी अगर आप अमेजन पे को यूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप 10,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, चाहे वो रिचार्ज हो, बिजली बिल हो, कुछ भी चीजें हो। लेकिन अगर आप केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो वही ट्रांजेक्शन 1,00,000 में कन्वर्ट हो जाता है। फिलहाल मेरे पास जो है, देख सकते हैं, मेरा भी केवाईसी नहीं है, तो मैं भी आपको लाइव दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैटर ये करता है कि आप केवाईसी वाले पेज पे आप आएंगे कैसे, क्योंकि अमेजन के अंदर जो है बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि शॉपिंग का सही साइट है और साथ ही साथ अमेजन का पे का भी ऑप्शन दे रखा है ना। तो इसलिए सबसे पहले हम अमेजन को ओपन करेंगे तो ये हमारा इंटरफेस आ जाता है शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करके शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको अमेजन पे में जाना है तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है बीच में अमेजन पे का, यहाँ पे क्लिक करके आप अमेजन पे पे जा सकते हैं। अन्यथा यहाँ पे जो देख रहे हैं 3 डॉट लाइन, इसके ऊपर आपको टैप करना है तो यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको मिल जाता है अमेजन पे का ऑप्शन। दोनों में से कहीं पे भी क्लिक करके आप अमेजन पे पे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम आ चुके हैं अमेजन पे के होम पेज पे। अब यहाँ पे देखिए अमेजन पे में 3 चीज़ें होती है, एक है अमेजन पे वॉलेट जिसमें कि 145 रुपीज है, दूसरा है अमेजन पे लेटर जिसमें कि मेरा 10,000 का लिमिट है, और तीसरा है अमेजन पे UPI जिसको हम UPI वगैरह के जरिए ट्रांजेक्शन कर सकते हैं वो अपने बैंक अकाउंट से। इसका अमेजन पे वॉलेट के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अमेजन पे बैलेंस की, अमेजन पे वॉलेट की। इस पर हम टैप करेंगे और यहाँ से हमारा प्रोसेस होगा किस तरीके से हम KYC कंप्लीट कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। KYC विदाउट KYC 10,000 की लिमिट होती है वॉलेट में ऐड करने की, और KYC अगर आप कर लेते हैं कंप्लीट तो आप 1,00,000 रुपये तक जो है ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, अगर आपको KYC पेज पे जाना है तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 1,000 की जगह पे 11,000 टाइप कर देना है। ओके, यहाँ पे 11,000 यानी अब जो है ये लिमिट जो है मतलब KYC के अकॉर्डिंग है। तो हम यहाँ पे ऐड मनी पे टैप करेंगे तो ऐड होगा ही नहीं। देखिए अब अगर मैं यहाँ पे इसी को अगर मैं 10,000 कर दूँ तो देखिए वो चीज़ नहीं मांगेगा, ये इजीली ऐड होने के लिए देखिए प्रोसेस चला गया, पेमेंट पेज पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन ठीक है, तो हम यहाँ पे 11,000 कर देते हैं ताकि वो अपने को KYC वाले पेज पे ही लेके चला जाए। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड कंप्लीट नेक्स्ट स्टेप, कंप्लीट योर KYC टू ऐड मनी। ठीक है, कंटिन्यू पे हम टैप करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम मेन पेज पे आ चुके हैं यानी KYC वेरिफिकेशन पे। तो KYC वेरिफिकेशन करने के लिए हम बोला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर जो है आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा और वॉलेट का आपका लिमिट जो है 1,00,000 तक आप 1 मंथ में आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी बताया गया किस तरीके से आप जो है KYC को कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, आपको अपना सेल्फी लेना होगा। दूसरा स्टेप होगा आपको अपना पैन कार्ड का फोटो क्लिक करके फोन में रख लेना है और उसे आपको अपलोड करना है। तीसरा क्या है कि आधार कार्ड से वेरीफाई करना है और साथ ही साथ आपको वीडियो कॉल पे अपने आप को वेरीफाई करना है कि आप रियल में वही पर्सन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपलोड डॉक्यूमेंट। इस पर आप टैप करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे पहला मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको सबसे पहले फोटो अपलोड करना है और दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी के लिए आप पैन कार्ड का यूज कर सकते हैं। तो जैसे फोटो पे आप क्लिक करेंगे ऐड पे तो आपसे परमिशन वगैरह मांगेगा, यहाँ पे अलाउ कर दीजिए, दोनों पे टिक करके अलाउ एक्सेस ताकि कैमरा ऑन हो जाए। देख लीजिए सामने कैमरा लगा हुआ है तो कैमरा का कैप्चर हो रहा है, ये देख। ओके, तो इस तरीके से आपको फोटो क्लिक कर लेना है और ये देखिए सेविंग हो रहा है। यहाँ पे देखिए फोटो अपलोडेड। ठीक है, और चेंज अगर आपको करना है, लग रहा है कि सेल्फी सही नहीं आ पाई है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आप सेल्फी लेंगे तो सेल्फी के लिए बैकग्राउंड जो है प्लेन आप चूज कीजिएगा। ठीक है, रंग बिरंगा बैकग्राउंड ना हो, कहीं पे दीवार के सामने खड़े रहिए जो प्लेन दीवार हो। और उसके बाद अगर आपको फोटो को चेंज करना है तो चेंज पे टैप करके आप चेंज कर सकते हैं। और दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ पे पैन कार्ड का फोटो लेना होगा। तो पैन कार्ड करने के लिए यहाँ पे क्या, एक है ऑप्शन अपलोड करने का, अगर आपके फ़ोन के अंदर पहले से अगर अपलोड है सॉरी सेव है तो आप अपलोड पे क्लिक करके जो आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। और दूसरा टैग फोटो पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको फ्रंट का ही दिखा देता हूँ, देखिए कैमरा ऑन हो चुका है। ठीक है, तो बस आपको फोटो यहाँ पे क्लिक कर लेना है और उसे कैप्चर करके इस तरीके से देखिए, ओके ये देखिए यहाँ अपलोड पैन वेरिफिकेशन फेल बिकॉज क्या है कि पैन डिटेल्स जो है यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, प्लीज एंटर योर पैन डिटेल्स मैनुअली टू
कंटिन्यू, यहाँ पे बोला जा रहा है एंटर पैन डिटेल्स मैनुअली, बिकॉज क्या है वो पैन कार्ड का फोटो एप्लीकेशन ने डिटेक्ट किया वो पैन कार्ड का फोटो है ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ एग्री पे क्लिक कर देना है और इनिशिएट वीडियो कॉल पे आपको टैप कर देना, वीडियो के वैसे इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगा वीडियो केवाईसी करने का, जहां पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और साथ ही साथ आपको जो अमेजन पे की तरफ से एक जो है एग्जीक्यूटिव कोई भी पर्सन होंगे वो आपसे वीडियो कॉल पे अपॉइंट हो जाएंगे, वो आपको लाइव उसी टाइम पे वेरीफाई करेंगे। तो आप उसमें रिशेड्यूल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिशेड्यूल कर देंगे तब कल जाकर के उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे, और जैसे आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट होगा वैसे ही जो है आपका अमेजन पे वॉलेट का, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, अमेजन पे वॉलेट का जो लिमिट आपका 10,000 से बढ़ करके 1,00,000 हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को दोस्तों आप फॉलो करके जो अमेजन पे वॉलेट का केवाईसी कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा कि हम वीडियो केवाईसी कैसे कर सकते हैं अमेजन पे वॉलेट का। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी भी तरह का मन में सवाल है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उस सवाल का रिप्लाई करने की। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।